रहीम वालेकुम फ्रेंड्स और यू आल आई होप यू विल बी फ़ाइन फ्रेंड्स कलीद उर्दू का सबका पर्चा नंबर फोर है और पेज नंबर है फोर सेवेंटी टू ये है पेपर सन दो हज़ार का और इसके आंसर्स को मैं समझा समझा के आसान अंदाज में आपके साथ शेयर करूँगी और तलफ़ की मिस्टेक्स भी आपकी दूर हो जाएंगी किस लफ्ज़ को कैसे पढ़ना है किसके क्या मनी है डिटेल से समझा दूँगी ताकि आपको सुनते ही याद हो जाए क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास खुदा खुदा करके कवायद की रूह से क्या है अच्छा सवाल को गौर से देखिए यहाँ आया है कवायद कवायद क्या होते हैं कवायद होते हैं ग्रामर कवायद या ग्रामर हमें बताते हैं कि किसी भी ज़ुबान को कैसे बोलना है और किन अल्फाज को कहाँ कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करना है अब कवायद की रूह से खुदा खुदा करके क्या है लास्ट लेक्चर में मैंने एक शेर सुनाया था आप लोगों को सनत इहाम का मोमिन का शेर था शब जो मस्जिद में जा फे मोमिन रात काटी खुदा खुदा करके सनत इहाम का शेर था जिसमें इंसान सनत इहाम से मुराद के ऐसी सन्नत कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिनको पढ़कर इंसान मखमसे में यानी शक में पड़ जाए कि उसके हकीकी मानी मुराद लिए जाए या मजाजी जैसे मस्जिद में मोमिन कहता है हम शब को फंस गए यानी मस्जिद में पहुँच गए रात काटी खुदा खुदा करके बाज़ात इंसान किसी खौफ की वजह से किसी डर की वजह से खुदा खुदा करके मुश्किल घड़ी को गुजारने की कोशिश करता है कि किसी तरह ये ख़तरा टल जाए और बाज़ात खुदा खुदा करना होता है यानी खुदा का ज़िक्र करना अब इस शेर के इस मिसरे से हमें समझ नहीं आ रही कि मोमिन की क्या मुराद है इस शेर में खुदा खुदा करके के हकीकी मानी मुराद लिए जा रहे हैं या मजाजी तो महावरा होता है जिसके दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमू जिसके मजाजी मानी मुराद लिए जाए जबकि रोज़मर वो होता है जिसके दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमू होता है जिसके हक़ीकी मानी मुराद लिए जाएँ अब वो कहते हैं कि खुदा खुदा करके कवायद की रूह से क्या है ये महावरा भी है और रोज़मर भी है क्योंकि ये अपने हकीकी मानों में भी इस्तेमाल हो रहा है और मजाजी मानों में भी इस्तेमाल हो रहा है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू बुलबुल बुल का बच्चा पालना ये एक महावरा है इसके क्या मानी है इसके मानी है किसी रोग को लगा लेना देखें अब बुलबुल बुल का बच्चा पालना कौन सा रोग होता है यह अपने हकीकी मानी में देखा जाए तो बुलबुल बुल का बच्चा उठाया और पाल लिया लेकिन इसका जो मफहम है वो इसका मजाजी मानी है हकीकी नहीं है किसी रोग को लगा लेना सो ये क्या है एक मुहावरा है नेक्स्ट है हमारे पास कागज़ खोलना यह भी एक मुहावरा है कागज़ खोलना यानी पेज को खोल लेना पलट लेना या किसी एनवाल लिफाफे वगैरह को खोल लेना ये हकीकी मानी मुराद होंगे लेकिन इसके मजाजी मानी क्या है किसी का ऐब फाश कर देना राज को इफ्शा कर देना इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर शीश महल का कुत्ता ये एक ज़रबुलमसल है इसके क्या मानी है इसके मानी है या हुआ कुत्ता अच्छा जी यहाँ लिखा हुआ है ज़रबुल मिसल अब गौर कीजिए ज़रबुल मिसल क्या होती है मुहावरा भी बता दिया मैंने रोजमर्रा भी बता दिया ज़रबुल मिसल क्या होती है ज़रबुल मिसल से मुराद कोई फ़िकरा कोई जुमला कोई एक शेर या किसी शेर का कोई एक मिसरा जो ज़िंदगी के बारे में कोई ख़ास असूल कोई हकीकत या किसी रवैये को जामे और बलीग अंदाज़ में बयान करें और जिसे हर खास आम अपने अल्फाज की अपनी किसी बात की तो तर्जमानी के लिए इस्तेमाल करते उसे अरबी ज़ुबान में ज़रबुल मिसल और उर्दू ज़बान में कहावत कहते हैं नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फ़ाइव बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहना ये एक मुहावरा है और इसके मानी है इसका मफहम है बी ऑप्शन माँ बाप का लाडला होना नेक्स्ट है तुरहा डालना इसके क्या मानी है तरह डालना तुरहा डालना अलग होता है तरह डालना इसका मानी है बुनियाद रखना नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर सेवन फ़हवा इबारत के क्या मानी है इबारत का मफहोम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट कुंद ना इसका क्या मतलब है इसका मतलब है बेसलीका उजड़ गंवार गैर तजर्बे वाला होना जिसे कोई तजर्बा ना हो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन खलत मुबहस होना यानी कि बेफायदा उलझाओ करना बेवजह की गुफ्तगु करना यानी कि बहस को खलत मलत कर देना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन आगे नाथ ना पीछे पगहा यह एक ज़रबुलमिस है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है लावारिस होना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अलैन मस्तजाब दावत यहाँ मिस्टेक मिस्टेक है दावत नहीं है दावत है मस्ताव दावत की तरकीब इससे क्या मुराद है अब देखें तरकीब यहाँ लफज आ गया तरकीब क्या होती है पहले भी मैंने बताया था शायद आपने प्राइमरी लेवल में मिडल लेवल में या किसी भी क्लास में कंपाउंड वर्ड पढ़ा होगा वही होता है उर्दू में तरकीब पहले मैं आपको आसान अल्फाज में कंपाउंड वर्ड समझाती हूँ फिर आपको तरकीब आसानी से समझ आ जाएगा हमारे पास कुछ अल्फाज होते हैं तो दो अल्फाज को जब मिला कर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को जब मिला कर हम एक वर्ड बनाते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लफ्ज़ है आइस आइस मीन बर्फ़ एक लफ्ज़ है क्रीम क्रीम मीन क्रीम ये दो वर्ड्स हैं हमारे पास जब हम इन्हें इकट्ठा लिख लेते हैं तो वो बन जाता है आइस क्रीम एक ही वर्ड बन जाता है इसे हम क्या कहेंगे कंपाउंड वर्ड जिनको तोड़ने से दो अलग अल्फाज बन जाए जिनको इकट्ठा लिख दें तो एक ही लफ्ज़ बन जाए सेम इसी तरह कप एक वर्ड है केक एक अलग वर्ड है कप केक एक साथ लिखेंगे तो कप केक एक ही वर्ड बन जाएगा इसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स उर्दू में तरकीब कहते हैं तरकीब कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स को जब दो अल्फाज को दरमियान में ज़बर जेर पेश वग़ैरह लगा के एक ही लफ्ज बना दिया जाए और उसके कोई ख़ास मफहूम बन जाए उसके मानी मुख्तलिफ़ हो जाएँ इस्तलाही मानी मुख्तलिफ़ हो जाएँ तो उसे हम कहेंगे तरकीब जैसे अमीर रिच को कहते हैं ज़्यादा दौलत वाले को कहते हैं शहर किसी सिटी को कहते हैं उर्दू में लेकिन अमीर के नीचे ज़ेर लगा दें रे के नीचे और आगे शहर लिख दें तो अमीर शहर यानी किसी शहर का किसी इलाके का हुक्मरान उसका मफहूम भी चेंज हो गया और वर्ड भी एक ही हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे तरकीब कहेंगे अब मस्तजाबद दावत की तरकीब उर्दू में कसरत से मुस्तमिल है मुस्तमिल का मतलब होता है कि इस्तेमाल हो रही है इसके क्या मानी हैं इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जिसका मतलब है जिसकी दुआ बार गाह इलाही में कबूल हो उस बंदे को मुस्ताबद दावत कहते हैं नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व चाहे जनख इसे कुछ लोग पढ़ते हैं चाहे ज़िन ख़िदाँ चाहे जन ख़ुद डिफरेंट पढ़ते हैं लेकिन इसकी दुरुस्त इसका जो दुरुस्त तलफुज है वो है चाहे जनख दाँ की तरकीब किन मानों में मुश्तमिल है ये थोड़ी का जो गढ़ा होता है दरमियान में हल्का सा इसे कहते हैं चाहे जनख दाँ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन बेड़ा उठाना एक महावरा है इसके क्या मानी है इसके मानी है मुश्किल काम के अंजाम देने का ज़िमा ले लेना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर का बैल बनाना बी आंसर इसका करेक्ट है बी ऑप्शन बात का बतंगड़ बनाना क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन मामला बंदी अदबी मामला बंदी क्या होता है शायरी में इश्क की बातें करना मोहब्बत की बातें करना इसे कहते हैं मामला बंदी अदबी असलाह से क्या मुराद है अदबी अह से मुराद जब अल्फाज अपने मजाजी मानों की बजाय अपने अफहोम में इस्तेमाल हों तो उसे अदबी कहते हैं अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि असलाहीफोम में कैसे इस्तेमाल होते हैं ये अतलाह वाला सवाल हर पेपर में हर लेक्चर में आता है और मैं इसे हर लेक्चर में इसलिए दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या पता किसी ने मेरा पास्ट पिछला लेक्चर लास्ट लेक्चर जो मैंने कल परसों उससे पहले दिए थे वो ना सुने हों तो उन्हें दुश्वारी होगी अदबी इस्तलाह से मुराद जब कोई अल्फाज अपने मजाजी मानों की बजाय हकीकी मानों में इस्तेमाल हो तो कहते हैं इस्तलाही मफहम या अदबी मिसाल के तौर पे लफ् अफसाना है उसके लघवी मनी हैं झूठी कहानी या मन घड़त बात जबकि इसका असलाही मफहम यह है कि ऐसी कहानी जिसमें ज़िंदगी के किसी एक रुख को बयान किया जाए मजाजी मानी कुछ अलग हैं असलाही मफहम कुछ अलग है यह है अदबी असलाह सेम इसी तरह उर्दू अदब में दीवान से मुराद किसी भी शायर की गजलों का मजमू दीवान कहलाता है जबकि दीवान के जो मजाजी मानी हैं उससे मुराद दीवान आम किसी बादशाह का ख़ास कमरा होता है जबकि अदबी अतलाह में दीवान से मुराद किसी भी शायर की गज़लों का मजमू डिफ्रेंस आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कौन सा जुमला दुरुस्त है सी आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है हामदा आफत का पर काला है अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमदा आफत की पर काला है या आफत की पर काली है नहीं आफत का पर काला है एक है और हमदा के बारे में कहा जा रहा है कि हमदा आफत का पर काला है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सही जुमला कौन सा है डी का ऑप्शन करेक्ट है किस सोच विचार में पड़े हो होटीन कौन सा जुमला दुरुस्त है ए ऑप्शन करेक्ट है अस्सलाम वालेकुम के बाद अर्ज़ है वालेकुम की ज़रा आप इमला देख लीजिए गौर से समझ लीजिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन दुरुस्त जुमले की निशानदही करें यहाँ है सी ऑप्शन करेक्ट खुदा या अपना करम फरमा या का मतलब होता है ए जैसे हम कहते हैं या इलाही ए इलाही या रब ए रब या अल्लाह ए अल्लाह जब खुदा या आ रहा है तो इसका मतलब खुद ही है ए खुदा तो हम ए खुदा या तो अपना करम फरमाइए भी गलत हो जाएगा ए खुदा या ये बाकी तीनों में ए खुदा या लिखा हुआ है लेकिन जो सी है यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है ख़ुदा या खुदा का मतलब तो खुदा या का मतलब ए सो तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है इसका भी सी दुरुस्त है लेकिन बुक में मेरे ख्याल में बी लिखा हुआ है बुक में मिस्टेक है आपने सी वाले को याद कर लेना है जो लोग मेरा लेक्चर नहीं सुनते अपने पैकेज की कंजूसी करते हैं और सिर्फ पीडीएफ पे इक्तफा करते हैं तो उन्हें ये सारी डिटेल नहीं मिलती और बुक में कौन सी मिस्टेक है उन्हें पता नहीं चलता इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि लेक्चर को गौर से सुना करें और साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएँ आज मैं पढ़ा रही हूँ कल मैं बिज़ी हो गई तो फिर फिर किधर से लाओगे छोड़ें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कौन सा जुमला दुरुस्त है क्या आपने इस किताब से इस्ता किया इस्तफा का मतलब होता है फ़ायदा हासिल करना जब इस्तफा का मतलब है फायदा हासिल करना तो इस्ता हासिल किया ये तो गलत होगा बाकी तीनों में इस्तादा हासिल किया या कर लिया लिखा हुआ है इसलिए बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं और मैंने बड़े बड़े साहिब इल्म लोगों को इस्ता हासिल करते हुए इस तरह से बोलते हुए सुना है जो कि एक जबानी औकाफ़ है। है के एतबार से कौन सा जुमला दुरुस्त है इसको जरा गौर से देखिए बेटे ने बाप को समझाते हुए कहा बेटा मेहनत करोगे मेहनत करो मेहनत का फल जरूर मिलेगा जब भी किसी का कॉल मिनोन उसी के अल्फाज में लिखा जाता है तो उसकी साइडों पे वावैन की अलामत लगाई जाती है उस कॉल के शुरू में भी और आखिर में भी और वावैन की अलामत कौन सी होती है ये जो छोटे छोटे दो कामाज लगे हुए हैं शुरू में भी दो छोटे से कामाज हैं और आखिर में भी इसको कहते हैं वावैन की अलामत अब बाप का जो कॉल है बेटे के लिए वो हमने उन्हीं के अल्फाज में मिनोअ यहाँ लिखा हुआ पढ़ा पढ़ा है तो बाप का कॉल वावैन में होगा अब गौर से देखें यहाँ सिर्फ बाप का कॉल वावैन में कौन सी में है ए में भी है बी में भी है सी में नहीं है सी को तो छोड़ ही दें ये गलत है और डी में भी है लेकिन बेटे बेटा थोड़ा सा वक्फा के लिए ये जो अप्राफी की अलामत लगी हुई है ये लगाना बहुत ज़रूरी है अब ये किस किस में है तीनों में है फिर ठीक है लेकिन कहा के बाद ये ऊपर नीच जो नस्बत की अलामत है डॉट्स हैं ये लाजमी होते हैं ताकि वक्फा हो पहले में भी नहीं है दूसरे में भी नहीं है तीसरे में है और चौथे में है लेकिन तीसरे में दोनों बेटा वालिद का जो कॉल है उसके दोनों साइडों पे वावैन नहीं है सो तीसरा भी गलत होगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि कहा के बाद नस्बत की अलामत है बेटा के बाद भीत है और वावैन में लिखा हुआ है पूरा कॉल डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू रमोज़ अवकाफ़ अच्छा रमोज़ अवकाफ़ क्या होते हैं रमूज अवाफ़ से मुराद वो इशारे और वो अलामतें होती हैं रमूज़ मीन इशारे अकाफ़ मीन वक्फा वो इशारे और वो अलामतें होती हैं किसी भी तहरीर में जिनसे कलाम में हुसन पैदा होता है ठहराव पैदा होता है जैसे हमने यहाँ नीचे देखा का, कामा का इस्तेमाल हो रहा है तो ये हल्का सा वकफ़ा है और फुल स्टॉप का इस्तेमाल हो रहा है तो इट मींस के यहाँ ख़ात्मा है सेंटेंस का वावैन का इस्तेमाल हो रहा है तो इससे वाजे पता चल रहा है ये किसी का कॉल मिनोइन उसके अल्फाज में लिखा हुआ है ये छोटी छोटी अलामतें इशारे और रुकावटें होती हैं वक्फे होते हैं जिनसे पढ़ने वाले को आसानी होती है किसी भी इबारत को समझने में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है रमूज़ अवकाफ़ के अतबार से दुरुस्त जुमला कौन सा है अब यहाँ आपने गौर करना है कायदे अज़म का फरमान सारों के एंड में नस्बत की ऊपर नीचे दो डॉट्स हैं पड़े अब कायदे अज़म का फरमान मिनोन उनके अल्फाज में कौन सा है काम काम और काम सिर्फ इन तीनों अल्फ, चार अलफ़ के शुरू में और आखिर में वावैन का होना ज़रूरी है ऊपर वाला तो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ काम काम और काम हमारे लिए आज भी मशले राह है इसके राह है के बाद वावैन है लेकिन जबकि कायद अज़म का फरमान तो सिर्फ इतना है काम काम और काम अब दूसरे को देखें दूसरे में सिर्फ कायद अज़म के फरमान में दोनों साइडों पर वावैन है आज भी मशअल राह है और काम काम और काम इसके एंड में फुल स्टाप भी लगा हुआ है दूसरे में सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि ये एक अलग सेंटेंस है और हमारे लिए आज भी मशा ले रहा है ये अलग सेंटेंस है और दूसरों के एंड में ख़त्मा यानी फुल स्टाप की अलामत दी गई है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री किसी कायल का यानी कॉल कहने वाले का बात करने वाले का कॉल मिनोआन वही बात जो मैंने अभी समझाई है मिनोआन यानी सेम उसी अल्फाज में उसी के अल्फाज में दर्ज करने के लिए रमोज़ अवकाफ़ की कौन सी अलामत अलामत इस्तेमाल होती है वावैन डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फ़ोर ख़्वाब अब देखें ख़ाब नहीं पढ़ा मैंने इसे ख्वाब पढ़ा है ख़्वार नहीं पढ़ा खुवार नहीं पढ़ा ख्वार पढ़ा, पढ़ा है ख़वा मखवा नहीं पढ़ा खा मखा पढ़ा है, खुद खुद तो नहीं पढ़ा खुद पढ़ा है इसे ख़्वादगी ख़्वानदगी भी नहीं पढ़ा की पढ़ा है, ख़ुश की बजाय खुश पढ़ा है, दरखवास्त की बजाय दरख्वास्त पढ़ेंगे तो इन में जो वाव मुस्तमिल है यानी इस्तेमाल हुई है उसे क्या नाम दिया जाएगा उसे वाओ मादूला कहा जाएगा ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर वाउ मादूला से मुराद उर्दू के अल्फाज में वो वा जो इस्तेमाल हो रही होती है जिसे लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता वाजे अल्फाज में वाज आवाज़ में जैसे ख़्वाब ख्वाब नहीं पढ़ा ख़्वाब पढ़ा है। ऐसी वा जो लिखी तो जाए लेकिन पढ़ी ही ना जाए उसे क्या कहते हैं वाह मादूला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव घर जाने का हौसला तुम्हें है ना मुझे मर जाने का हौसला तुम्हें है ना मुझे कहते हो कि आओ कुए कातिल में चलें पल जाने का हौसला तुम्हें है ना मुझे इन अशार में रदीफ क्या है रदीफ अब समझा दूं आपको रदीफ के लुगवी मैनी क्या होते हैं सवा घोड़े पर किसी भी सवार के पीछे आने वाला या पीछे बैठने वाला शख़्स लेकिन रदीफ के अतलाहीफ़ोम के बारे में समझा दूँ अफ़ोम वो होता है अशार में जब काफ़िए के बाद मुसलसल जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम रदीफ कहते हैं जो मतला अगर किसी भी गजल में किसी भी सिनफ़ शायरी में मतला है तो उसके पहले और दूसरे मिसरे में इस्तेमाल होंगे और उसके बाद हर दूसरे मिसरे में इस्तेमाल होंगे या अगर कोई मुसदस कोई मुखमस शायरी है छः बंदों मिसरों पर मुश्तल पाँच मिसरों पर मुश्तल बंद हैं हर नज़म के उसके नजम के हर बंद में पाँच या छः मिसरें इस तरह की हैं तो उनके आखिरी बंद में होगा या हर दूसरे में होगा थोड़ा तरतीब डिफरेंट होगी लेकिन काफिया के बाद आने वाले मुसलसल अलफा जो हर शेर के दूसरे मसरे में जूँ के तू लिखे हुए हों वो क्या होते हैं लद्दीफ़ होते हैं जैसे इन अशार में लद्दीफ़ हैं जाने का हौसला तुम्हें है ना मुझे घर मर पर क्या है काफिया है और पहले मिसरे में जाने का हौसला तुम्हें है ना मुझे दूसरे में भी और चौथे में भी ये अल्फाज जो के तू लिखे हुए हैं सो ये क्या है रदीफ़ हैं सवाल नंबर ट्वेंटी फ़ाइव के अशार में काफ़िया क्या है घर पर और मर है काफिया यानी बाहम एक जैसी आवाज़ वाले नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन सवाल नंबर पच्चीस के अशार को इस इसलाह सुखन में क्या नाम देंगे यानी सिंफ़ के अतबार से ये क्या है ये कत्ता है या रुबाई है मुरबा है या गज़ल है जी ये है बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर रुबाई रुबाई का जो पहला और दूसरा मिश्र होता है वो हम काफिया होता है रुबाई का दूसरा नाम दो बीती भी है यानी दो अशार पर मबनी पहला दूसरा और इसका चौथा मिसरा हम काफिया होता है जबकि जो कत्ता होता है उसमें मतला नहीं होता उसका हर दूसरा मिसरा हम काफ़िया होता है रुबाई में सिर्फ दो अशार यानी चार मिसरे होते हैं जबकि कत्ता में तादाद पर कोई कदगन नहीं कोई पाबंदी नहीं अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट बादशाह के सब खानजाद हैं दरबारदार लोग बहम आशना नहीं कानों पे हाथ धरते हैं करते हुए सलाम उससे है ये मुराद के हम आशना नहीं ये गालिब के अशार हैं उन और इन, और इन अशार का ताल्लुक किस सिनफ नज़म से है कत्ता से है और ये गालिब का जो कत्ता है इसका है दरबारी और इसमें सिर्फ दो ही अशार हैं उनके गालिब के इस कत्ते में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन उर्दू शायरी में किस किसनफ़ सुखन का ज़ख़ीरा सबसे ज़्यादा है गज़ल का क्वेश्चन नंबर थर्टी आसमान मरसिया मरसिया क्या होता है ऐसी शायरी ऐसी शे, ए, शेरी सन्फ़ जिसमें मरने वाले की तारीफ की जाए और उसकी मर उसके मरने के गम पर रोना धोना हो उसे कहते हैं मरसिया और रासी अदब भी उसका दूसरा नाम लास्ट टाइम इंटरव्यू में एक लड़की कहती है कि मुझसे पूछा गया राशि अदब से क्या मुराद है तो मैं थोड़ी परेशान हुई कि वो तो मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है फिर चेयरमैन ने खुद ही कहा कि बेटा मरसिया से क्या मुराद है यानी रासी अदब अगर पूछ लिया जाए तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि अब ये कौन सा है आसमान मरसिया के दो सबसे दरखशंदा सितारे हैं यानी कि चमकदार सितारे हैं कौन से दो ऐसे शायर हैं मर्सिया के जो बहुत ज़्यादा शोहरत पाई जिन्होंने वो हैं मिर्जा दबीर और अनीस सी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन किसी ज़माने में सिनफ मर्सिया की कोई अदबी हैसियत ना थी बल्कि मशहूर था बिगड़ा शायर मर्सिया गो बिगड़ा गोया मरसिया खां मरसिय को अदबी वकार किसने बख्शा मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने जो उर्दू अदब के पहले मरसिया नगार हैं बाकायदा तौर पर और ये बिगड़ा गोया बिगड़ा शायर मरसिया गो बिगड़ा गोया मरसिया ख़ान इसका क्या मतलब है दबस्तान लखनऊ दबस्तान लखनऊ में मोस्टली जो हुकुमरान थे वो अहले तशी थे शिया थे क्या हुआ परेशान हो रहे हैं कि दबास्तान लखनऊ क्या है परेशान नहीं होना मैं बताती हूँ दबस्तान से मुराद जब बहुत सारे शोरा और अदीब शोरा होते हैं शायर हजरत और अदीब होते हैं वो लिखारी जिनकी तसानीफ़ नसर में होती हैं शेरी तसानीफ के बजाय नसरी तसनीफ़ करने वाले तहरीरें लिखने वाले वो होते हैं अदीब जब बहुत सारे शोरा, शायर और अदीब किसी ख़ास इलाक़े के रहन सहन वहाँ के कल्चर वहाँ की तर्ज बदोबाश के मुताबिक एक ही अंदाज़ तहरीर अपना लेते हैं तो उसे कहते हैं दबस्तान दबस्तान और उर्दू अदब में दबस्तान दिल्ली और दबस्तान लखनऊ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं वैसे भी बहुत सारी हैं वन बाय वन मैं सबको पढ़ाऊँगी आपको उर्दू अदब की तारीख पे जब हम जाएंगे तो ये मैं डिटेल से समझाऊंगी। तबस्तान लखनऊ जो थी वहाँ बहुत ज़्यादा मर्सियों को रिवाज इसलिए पड़ा था क्योंकि वो शिया थे वहाँ के जो हुक्मरान थे और उनकी दरबारी शिया हुक्मरान फिर अपने दरबार में शीओं को ज़्यादा तरजीह देते थे फिर हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी के मरसी कहे जाते थे और बहुत ज़्यादा बादशाहों से ऐसे शोरा इनाम हासिल करते थे बाक़ी शायरी पे इतने बड़े कोई इनाम नहीं होते थे जितना मरसिए पे होते थे इसलिए बेतुके से शायर मतशा जिन्हें कहते हैं मत शा से क्या मुराद होता है शायर तो वो होता है जो कमाल गौर वफ़िक के बाद उमदा अल्फाज में शेर कहता है जबकि मतशार से मुराद ऐसा शार होता है जिसमें तख्लीक का कोई अंसर नहीं होता जो अपने अलफाज तख्ी नहीं कर सकता अपने ख़याल नहीं आ, मौजूद तैयार कर सकता कोई भी अपने खयालात को नहीं लिखता वो दूसरों के खयालात को दूसरों के मिस्रों को थोड़े से रदो बदल करके अपने शेर की तरह तब्दील करके अपना अपने अशार लिख लेता है उसे कहते हैं मतशार मतशार यानी आम से जो लोग थे फिर इनाम के लालच में कि मरसिया कहने वालों को तो बड़े अच्छे खासे इनाम मिलते हैं सब ने फिर मरसिया कहना शुरू कर दिए थे जिस वजह से ये मशहूर हो गया था कि बिगड़ा शायर मरसिया गो बिगड़ा गो या मरसिया खां यानी जो बिगड़ा शायर है जिसे शायरी नहीं आती वो भी मरसिया ख़ान बना हुआ है मरसिया जो था उसको अदबी वकार किसने बख्शा था पहले तो बेतुके से मरसी होते थे लेकिन बाकायदा तौर पर जानदार मरसिए जो लिखे थे वो मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लिखे थे दूसरा बड़ा नाम मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में कि मीर तकी मीर का हम असर मैंने कहा था सौदा तो उन्होंने कहा था सौदा की वजह शहरत मैंने कहा था कि कसीदा निगारी उसके बाद उन्होंने कहा था कि कसीदे में बड़ा नाम तो मैंने दूसरा बड़ा नाम मैंने कहा था जौक इब्राहिम जौक मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने मर्सिया भी लिखे थे और कसीदे भी लिखे थे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है हमारे पास अलामा मोहम्मद इकबाल की मारूफ नज़म जो उनकी पूरी शायरी का महासिल है ये लास्ट लेक्चर में कल वाले टेस्ट में भी मैंने सवाल पूछा था साकी नामा है इसकी हियत क्या है हियत यानी इसका सांचा, इसकी शारी सिंफ़ कौन सी है नज़म है हमद है नात है मसनवी है क्या है तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है मसनवी है मसनवी क्या होता है दास्तान ऐसी कहानी होती है ऐसी फ़र्जी कहानी जिसमें माफोकफरत अनासर होते हैं माफोकुल्फरत अनासर से मुराद ऐसे किरदार जो भूत प्रेत हों जैसे जिन परियां वग़ैरह जबकि मसनवी जो होती है दास्तान नसर में लिखी जाती है मसनवी शेरी सिंफ है अशार की तर्ज़ पे लिखी जाती है मसनवी में भी एक मुकम्मल कहानी को बयान किया जाता है और इसमें भी मोस्टली फितरत अनासर होते हैं लेकिन फितरत अनासर के अलावा भी दास्तानें और मसनवियाँ लिखी जाती रही हैं और लिखी जाती हैं दास्तान को तो अब रिवाज नहीं रहा उसका लेकिन मसनवियाँ अभी भी लिखी जाती हैं तो ये मसनवी है साकीन मोहम्मद इकबाल की और मसनवी में जो मतला होता है वो नहीं होता और इसका हर दूसरा शे मिसरा हम का किया होता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अगर कसीदे या गज़ल का गौर से सवाल को देखा करें कसीदे या गज़ल का तीसरा और चौथा मिसरा भी हम का किया हो पहला मिसरा जो होता है वो हम काफी होता है और दूसरा भी हम काफ़िया होता है किसी भी कसीदे या गज़ल का तो उसे कहते हैं मकता सॉरी मतला और अगर कसीदे या ग़ज़ल का दूसरा और तीसरा मिसरा भी हम काफ़िया हो तो उसे क्या कहेंगे मतला तो ऊपर वाला हो गया दूसरा शेर भी हम काफ़ी है तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे हुसन मतला सो so इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सी ऑप्शन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर जापानी सिनफ नज़म है हाइको जापानी क्योंकि इसका आगाज़ जापान के एक शायर मातो बाशो ने किया था सतरवीं सदी में और हाइको के सिर्फ़ तीन मिसरे होते हैं उर्दू में हाइको का बाकायदा तौर पर आगाज़ कैसे हुआ था जापानी हाइको के तराजम से हुआ था और पहली हाइको पर मबनी जो तराजम की किताब है वो है गुब्बार शबनम और गुबार शबनम के मुसनफ़ हैं अब्दुल अजीज़ खालिद ये नोट्स बनाते जाएं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रही हूँ आप लोगों को लिखते जाएं शाबाश गुबार शबनम के मुसनफ़ हैं अब्दुल अजीज खालिद जबकि बाकायदा तौर पर हाइको का उर्दू में आगाज़ किसने किया था डॉक्टर मोहम्मद अमीन ने ये जापान गए थे तो इनके सामने ये चौके शायद थे इनके सामने हाइको को मुतारफ़ करवाया गया तो इन्होंने तराजिम करने की बजाय वापस आकर बर में हाइको अपने हाइको लिखना स्टार्ट कर दी थी और इनका हाइको का मजमु भी था एक जो अब नायाब है और इसका नाम भी कंफर्म नहीं है हाइको तीन मिसरों पर मबनी एक सिनफ़ शायरी है पहले मिस्रे में पांच बहूर होती हैं यानी बाहर की जमा दूसरे में सात और तीसरे में फिर से पाँच मैं आपको एक मिसाल दे के समझाती हूँ पहला मिसरा है मेरे पास हाइको का पानी का झरना पेलिफ पा एक अलग है बाहर नी अलग है का अलग है कितनी हो गई पा नी का तीन झर ना झर अलग है और ना अलग है चार और पाँच दूसरे मिसरे में है ढूंढो तो मिल जाएगा ढूंढो, ये दो अलग से हो गए तो तीन मिल चार जा ए, ये दो अलग हैं जा और ए पाँच और छः और गा सा तीसरा है इसका प्यासे मत मरना प्या से प्यार से दो मत तीन मर चार ना पाँच पानी का झरना ढूँढो तो मिल जाएगा प्यासे मत मरना यह है जी हाइको इंटरव्यू के लिए कम से कम आप लोगों को दो हाइको की एग्जांपल्स लाजमी आनी चाहिए और जो मैं एक्स्ट्रा इन में सवाल मुझे इम्पोर्टेंट जो भी होते हैं मेरे जहन में आ जाते हैं मैं बताती जा रही हूँ उनके नोट्स लाजमी बना लें ये कलीद उदू बेशक आपके पास होगी लेकिन ये जो एक्स्ट्रा सवालात हैं उनके लिए एक डायरी ले लें ले और लाजमन नोट्स बनाते जाएँ अच्छा जी बताइए हाइको में कुल कितने मिसरे होते हैं इसमें तीन मिसरे होते हैं नैक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव मोहम्मद दिन फ़ौक को शायर कश्मीर पर मुजद कश्म कशामरा के अलकाबा किसने इनायत किए थे यानी किसने दिए थे अलामा इकबाल ने अलकाब या लकब अलकाब लकब की जमा है लकब से क्या मुराद है लकब से मुराद वो नाम जो किसी की किसी ख़ास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए या किसी की खास खूबी की वजह से उसे दिया जाए वो लकब कहलाता है जैसे हज़रत अलैहि वसल्लम को दिया गया सदक और अमीन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है हमारे पास तसद हुसैन ख़ालिद नून मीम राशिद और मीरा जी में क्या क़दर मुशतरक थी यानी इनमें कौन सी सिर्फ कौन सी एक काम इनका एक जैसा था आज़ाद नजम तीनों ने लिखी हैं बहुत ज़्यादा इसलिए ये इनमें में क़दर मुशतरक आज़ाद नजम थी क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन एक शेर है हमारे पास जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगस हशर जहाँ में मेरा दीवान रहेगा अपने दीवान के बारे में यह पेश गोई किसने की थी ये मीर तकी मीर ने और उनका इसमें शायराना ताली पर यह शेर है शायराना ताली से मुराद शायर का किसी शेर में अपनी तारीफ़ करना यहाँ वो अपने दीवान की तारीफ़ कर रहे हैं कि मेरा दीवान इतना इम्पोर्टेंट है इतना अच्छा है कि वो कभी भी नायाब नहीं होगा नापैद नहीं होगा ज़ाय नहीं होगा ताशर दुनिया में मौजूद रहेगा यानी पढ़ा जाता रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है हमारे पास आज मुझसा नहीं जमाने में शायर नो एक ख़ुशगुफार शायर नगज़ से मुराद क्या है नगज फारसी ज़ुबान का लफ्स है नगज गो शायर से मुराद वो शायर जो जिद्दत तराज हो जिद्दत तराज कौन है हमारे पास चचा गालिब जिद तज हैं इसलिए ये वालद का शेर है और खुश ख़ुशगफ्तार खुश स्लूब खुश अच्छा लिखने वाले खूबसूरत लिखने वाले मसरत देने वाले अपनी तहरीरों के ज़रिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन ये देखें वावैन में लिखा हुआ है इट मीनस के ये किसी का कॉल मिनोन लिखा हुआ है यानी सेम उसके अल्फाज में लिखा हुआ है अरे गुनचा लातू कलम दाम किसी को मुखातिब करके ये देखें कौन सी अलामत उन्होंने लगाई हुई है अरे गुंचा के बाद ये हमने पीछे भी मैंने आपको समझाया है अरे गुंचा लातू कलम दान कलम दान क्या होता है जिसमें क़लम और डायरी वग़ैरह होती है शरा की ज़रा मैं उसकी खबर तो लूँ ये मुझको समझा क्या है ये मरूफ़ जुमला किस हजव का है हजव क्या होता है हजब से मुराद शायरी में किसी को किसी की बुराई करना तान व तशनी करना लानत मलामत करना किसी की बुराई करना किसी का मजाक उड़ाना शायरी के ज़रिए और इसमें सौदा को अवलियत हासिल है उर्दू शायरी में सबसे पहले सौदा ने हजबनी गारी की थी और सौदा का एक मुलाजिम था जिसका नाम था गुंचा और वो हर वक्त सौदा के साथ रहता था और हर सौदा का कलमदान संभाले रखता था जहाँ भी कोई शायरी के जरिए सौदा पे तंज करता तो सौदा फ़ौरन कहते थे अरे गा लातू कलम दान ज़रा मैं इसकी ख़बर तो लूँ ये मुझको समझा गया है फिर सौदा शायरी के ज़रिए उसकी ऐसी उसके छक्के छुड़ाते थे कि बस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फार्टी हिंदुस्तान में एक ख़ानदान की ज़ुबानदानी का सबसे ज़्यादा चर्चा था यानी उनकी उमदा ज़ुबान का इसलिए यह कॉल मशहूर हुआ अगर ज़ुबान सीखना हो तो मीर खलीक़ के ख़ान वादे में जाओ बताइए ये कॉल किस का है ये है जी इमाम बख्श नासिर का जो दबस्तान लखनऊ के बानी समझे जाते हैं इमाम बख्श नासिक ये भी लिख लें दबस्तान लखनऊ के बानी कौन समझे जाते हैं इमाम बख्श नासिक और दबस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर कौन है आतिश क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है हमारे पास हैदाद का मुस्तक कला में महरूम लफ्जों का जमाल और मानी का हजूम है उनका सुखन मुफीदो दानिश आमोस उनकी नज्मों की है भजा मुल्क में धूम हज़रत अकबर आबादी ने इस रुबाई में किस शायर की तबाही की तारीफ़ की है अब गौर कीजिए हजरत अकबर आबादी के अशार हैं ये और उन्होंने इस शायर में किस शायर की तबाही की तारीफ़ की है तबाही क्या होता है तबाही अरबी ज़ुबान का लफ्स है जिसके मानी है तबीयत की तेज़ी या जहानत अकबर अला ने इन अशार में इस रुबाई में रुबाई यानी के दो अशार पर मबनी ऐसी तहरीर जिसका पहला दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया हो हम काफिया हो हम रदीफ रदीफ होना लाजमी नहीं लेकिन हम काफिया होना लाजमी है जैसे महरूम हजूम धूम हम काफ़िया है ना ये उस ऐसी तहरीर को रुबाई कहते हैं और इस रुबाई में अकबरअल्लाबादी ने तिलवक चंद महरूम की तारीफ़ की है उनकी तेज तरारी उनकी तबीयत की तेज़ी उनकी जहानत की तारीफ़ की है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू है हमारे पास तुम्हारी नस्बत मेरा ये ख्याल है कि अगर तुम शेर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर सख्त जुल्म करोगे। देखें यह मिर्जा गालिब का कॉल है और वावैन में लिखा हुआ है मिर्जा गालिब ने यह जुमला आपने किस शागिद को कहा था ख्वाजा अलताफ़ सैनहाली के लिए ये कहा था और गौर कीजिए ख्वाजा अलताफ़ सैनहाली मिर्जा गालिब के शागिर्द थे आई होप क्लियर हो गया होगा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर आप लोगों को मसला होगा पे शेयर भी नहीं होती हैं यूट्यूब पे तो हो जाती हैं व्हाट्सएप पे नहीं होती हैं सो so, दूसरे हिस्सा जो पेपर का है उसे दूसरे लेक्चर में शेयर करती हूँ थैंक यू सो मच टेक केयर अल्लाह हाफिज़